और जो आज हमने इवेंट में सुबह किसानों की बातें सुनी, तो एक तरफ तो हमको जो भी हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं, अगर हम तेजी का प्रोजेक्शन करें तो कहीं ना कहीं एक मन में एक चुभन भी होती है कि कुछ ना कुछ क्रॉप पे डैमेजेस हो सकता है, इसकी वजह से ये तेजी तो कुछ चुभता भी जरूर है। बट हमारा पर्पस है कि एक फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट मार्केट में हो, सो डेट जो भी डिसीजन लेना है फार्मर्स को या ट्रेडर्स को वो प्रॉपर ले सके। कमिंग ऑन, अगर हम क्रॉप की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 महीनों में बारिश को लेकर अप्रैल में हमने सीनरी टोटली डिफरेंट देखा था। IMD के भी अपडेट्स आए थे कि मानसून अच्छी रहेगी, बट जैसे जैसे हम सितंबर तक पहुंचे सीनरी टोटली चेंज हुआ। अजय पीटर जी, बैकग्राउंड है ठीक है कि वो मानसून की बात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इन सबको देखते हुए जो आपने अध्ययन किया है प्राइस को लेकर, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले 6 महीने से मेरा आउटलुक काफ़ी बुलिश था। हमने 4600-4800 के इमीडिएट टारगेट्स रखे थे, 5100 तक के भी लेवल हम देख रहे थे, बट जिस दिन से सितंबर मंथ में हमने कंसोलिडेशन देखा कहीं ना कहीं